घर पे जो दीदियाँ वगैरह है जो ये वीडियो और जो मतलब भावुक हो रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारे आरती डोगरा मैडम आरती डोगरा से जो मुलाकात हुई है वो 100% पॉजिटिव है। और जिस तरह से हमें इतने सारे जनों से जो पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स मिला है उससे मैं आप घर पे जो बैठे हैं दीदी और भाइयों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि भावुक ना हो, हम यहाँ हैं तो सही बताऊँ अच्छा ही कुछ अच्छा होने वाला है। अपने एक या दो दिन में अपना बहुत जल्दी अच्छा परिणाम आने वाला है। कोई भी घर पे रहकर कुछ भी गलत ना सोचे और जो भावुक हो रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना नहीं सही अपनी फैमिली वालों का सोचकर कुछ आगे अच्छा सोचें, क्योंकि अगर आपके तो जान चली जाएगी लेकिन पीछे जो रहने वाले हैं उनका सोचकर चले। आपसे हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि आप अपना सोचते हो अपनी फैमिली का भी सोचे तो है। नौकरी पाना ही सब कुछ नहीं है, फैमिली भी कुछ है। तो जैसे कि है ना मोनिका दीदी जो डीमोटिवेट हो गई थी उनको हमने जैसे मोटिवेट किया है, उनको हमने यहाँ बुलाया है, मैंने खुद इनसे बात करी, इनको अच्छा दिलासा दिया है, मैंने खुद कहा इनको कि आप एक बार हमारे साथ आइए, आप एक बार जयपुर आइए, आपको खुद को लगेगा कि अपन किस तरह से हैं। आज ये खुद इस यहाँ पे हमारे साथ रहकर इनको कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तो इनको खुद को लगा है कि हाँ अपन सही जगह है। एक अपन सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं अफवाहें फैलाते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया और बहनों ये गलत अफवाहें ना फैलाएँ, क्योंकि जो यहाँ बैठा है इतने दिन से जो धरने में बैठा है और धरने के बाद जो बैठा है वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है उसके लिए आप प्लीज़ गलत ना बोलें, क्योंकि यहाँ बैठे रहने वाला कोई किस तरह से रह रहा है ये आप नहीं जानते। हम किस मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं इधर उधर घूम रही हूँ या ऐसा कुछ, ये नहीं है। आप भी घर परिवार छोड़ के बैठी हुई हैं। हम भी हमारी फैमिली छोड़ के बैठे हैं और ये हमारी बहनें हैं जो पता नहीं किसके क्या प्रॉब्लम है ये खुद जानती है और हम खुद जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अफवाहें ना फैलाएं और गलत चीज़ें ना बोलें, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा बड़ा धन्यवाद मैं ईशा दीदी को देना चाहती हूँ जो मीरा की वार्ता के थ्रू शुरू से 1 अप्रैल से लेकर यहाँ धरना ख़त्म होने तक और अभी तक जितने भी 109 या 110 दिन हुए हैं उसके अंदर जो हमारे साथ जो दे रही हैं उनका मैं आप बहुत उनको है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और उस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं और आप बस अपना सपोर्ट करें दीदी को। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।